सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन लंदन। तो अभी सो के उठा था, तो आज जो भी है आज का एक्सपीरियंस, पहला दिन कैसा रहता आज सबको, आज क्या क्या करूँगा। आज बस ऐसे ही घूमने निकला था दोस्तों के साथ, तो आज का एक्सपीरियंस सबको बताऊँगा मैं। तो चलो भाई, अब तो बाहर आ गए, तो अपने घर की जो गली है उसके बाहर आ गए। तो देखो वैसे ही मेन रोड की तरफ अपन आगे बढ़ रहे थे, तो दिखा कि कार तो बहुत दिख रहे अपने घर क्या है, इसको जाना पड़ता है ऐसे कार दिख रहे यहाँ पे, तो वही रोड पे ठहरे हुए दिख रहे। तो मैं बोला अच्छे लोग हो गए, ऐसा नज़ारा है मार्केट का, अपने मार्केट के बीच में आए हुए हैं अपन। तो देखो भाई, अपने इंडिया के हैदराबाद के लोग और जो है ना साउथ साइड के लोग बहुत है भाई, ईस्ट हाम की तरफ ऐसा माहौल है। देखो पब्लिक वही अच्छी है, मौसम भी बहुत प्यारा है। ऐसा है कि नवंबर दिसंबर में ऐसा नहीं रहता, कहते बारिश बर्फ़ सर्दी हुए, अब मैं ऐसा मौसम भी बहुत प्यारा है। और देखो भाई लंदन में बसा ऐसे रहते, देखो भाई अपने को हर कहीं जिधर भी जाना है ऐसे बसाएँ मिलेंगे। ट्रैवलिंग का फैसिलिटी अच्छी है भाई, बस थोड़ी महंगी है लेकिन अच्छी है। तो देखो भाई माहौल, और आगे चल के भी मैं आगे का भी एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी आया था मैं रोड पर, तो हमारे दोस्त जो है ना सिम कार्ड के बारे में मालूम करने गए हुए हैं, वो आए थे कि आप वेट करेंगे। और ये ब्रो आ गए अभी मालूम कर लेंगे। ब्रो क्या बोले ब्रो? शर्मा रहे आपके बारे में, बस आपका नाम बोलो भाई। ये अपने को ईस्ट हाम है ना, वहाँ पे वहाँ का एरिया है, वहाँ पे दुकान आप होते भाई, अपने को हर चीज़ की जो है ना हर चीज़ अवेलेबल है, अपने को हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कम से सस्ते से महंगे तक जैसे भी आपको होना है, आपकी पसंद है उसके हिसाब से हर एक चीज़ अपने को यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन अपने ऊपर है लगाना कैसा करना क्या है। ब्रो भी यहाँ पे सस्ते ही है, ज़्यादा महंगे नहीं है कम्पेयर टू जैसा आपने, वैसा महंगा है भाई ना, ना। इसका क्या है प्राइस? बेडशीट ब्रो कितना है यहाँ पे? कार्तिक पे क्या बोलते भाई? कार्तिक भाई कैसा है आपका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस लंदन में, एक बात बोलो बोली बस, खाली देख के इधर प्लीज। तो हर भाई खिलौनों से तो अपने को मतलब नहीं है, इधर जाने का नहीं है, बस थक गया फिलो होने का था, इसलिए आए हुए है हमारे साई भाई लेके आए हुए है। साई भाई हाय बोलो भाई। हाय भाई। भाई 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 हमारे देखो 6 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत एक्सपीरियंस है। तो भाई फैन 12 pounds ये जो है ना भाई, अभी थकिया लिया था वो प्राइस जो बताया वो नहीं है, उसको ऑफर में अपने को 5 pound में मिल गया है, तो सस्ता मिला भाई लंदन के हिसाब से देखा गया तो। आप इंडिया के कम्पेयर अब यहाँ पे तो महंगा है, हर चीज़ महंगा है, उसमें अपने को 5 pound में मिलना बहुत सस्ती चीज़ है। तो ऐसा है समझो। तो सिग्नल गन भी है, सिग्नल गन का भी मैं अभी आपको बताऊँगा। लंदन का ऐसा रहता सिस्टम कि देखो वहाँ लाल है तो रोड क्रॉस नहीं करना, यहाँ पे जो है बटन दबाना रहता, दबा के यहाँ पे वेट करना रहता, फिर वहाँ पे अपने को ग्रीन लाइट आती, तो इधर वेट करेंगे वहाँ पे ग्रीन लाइट आती, उसके बाद अपन चलेंगे, ग्रीन लाइट आ गई तो अब सुकून से क्रॉस कर सकते हो भाई, कुछ इश्यू नहीं है, कोई आया करा तो भी अपने को प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसा है नज़ारा। और हमारे साई भाई और कार्तिक भाई, कार्तिक भाई कैसा है आपका पहला दिन? अच्छा है, ठीक है बहुत अच्छा है। और नज़ारे कैसे है? देखो बहुत अच्छा है। चल रहे चल, स्टेशन है भाई मेट्रो स्टेशन शायद, हाँ ट्रेन्स इधर, टिकट काउंटर वहाँ पे है, टिकट वहाँ पे लेना रहता जो है, यहाँ से अंडरग्राउंड में है। अब तो अंदर नहीं आ सकता हूँ भाई, पहला दिन है, कार्ड सोई कुछ भी नहीं लिया, और इंशाल्लाह जब भी लूँगा जाके आपको सबको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ऐसा है ईस्ट हाम स्टेशन है, यहाँ से मैं जा रह रहा हूँ वो तो बस 5 से 10 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है, और अपन जैसा हैदराबाद में चलते वैसा चले तो फिर 5 मिनट में चले आते।
देखो सही फील आ रहा अपने इंडिया में जैसा, यहाँ पे टेंपल है और वहाँ पे आगे मस्जिद है, तो माशाल्लाह ऐसा दिख रहा कि भाई अपने एरिया में है अपन। यहाँ पे टेंपल, वहाँ पे मस्जिद है और नैयर भाई में चर्च भी है बल्कि अभी भाई बता रहे थे। तो वैसे भाई देखो अपने ऊपर है, आगे जैसा रहना है अपने को वैसा रहे तो अच्छा है, फ़ायदे में रूल्स के हिसाब से अपन रहे तो अपना फ़ायदा है। तो आगे भी मैं जो भी अगर मैं जा रहा हूँ, अब जिधर भी जा रहा हूँ एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो में वेट करिए, बस आप लोगों का सपोर्ट बताइए इंशाल्लाह आने। अब तो पहला वीडियो है इंशाल्लाह, आलू आलू आदत हो जाएंगी तो और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो देखो भाई यहाँ तरकारी भी है, ज़्यादा महंगे नहीं है भाई लंदन के हिसाब से दिखा गया था। तो भी अगर शॉपिंग घर से करके नहीं आ रहे तो आप लोग अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे शक्ति बोल के, जो ये है ना इसमें अपने को अच्छे से अच्छे चीज़ें आ गया है, कम में मिल जाते कहते ग्रॉसरीज और तरकारी जो भी है ऐसे कम में आते। इंशाल्लाह अंदर जाके आप लोगों को बताऊंगा पूरे जो भी इंडिया में मिलते थे वो पूरे यहाँ पे अवेलेबल है, और प्राइजेस भी ज़्यादा वो नहीं है, 2 pounds अराउंड 2 से 3 pound में मिल जा रहे हैं हर एक चीज़, या महंगी भी नहीं है और अच्छा है भाई, हर एक चीज़ की सहूलत अच्छी है यहाँ पे। ऐसा है कि भाई अगर आप लोगों को सहूलत नहीं है लेके आने की तो आप आके यहाँ भी ले ले सकते हैं, ऑफ़र में बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। ओ भाई हमारे कार्तिक भाई थक गए कहते हैं, एक दिन में थक गए ना, आगे क्या आज करते कि क्या कि समझने नहीं आ रहा भाई। भैया ने कहा भाई ऐसा बढ़ गए क्या भाई ऐसा बढ़ गए अर्धन वाले ऐसा भाई को बढ़ गए मेरे को नहीं मालूम मेरे को नहीं मालूम भाई। अरे भाई कुछ भी पूछो, अरे MDH लो चिच्चा है अपने छे देखो ये माँ चिच्चा है ये देख के कैसा लगा? अच्छा लगा, सीजनलेस आमा है नहीं, सीजन नहीं कुछ नहीं भैया, तो भाई जरा रोड पे देखो ये एक चीज है कि अपने को देख समझ के क्रॉस करना रहता भाई। तो देखो भाई अब तो पब्लिक कम है, अभी थोड़ी देर पहले जब तो अच्छा था, अब बताया जो शक्ति बताया था इसमें जो भी आप लोगों को अगर ग्रॉसरी सोना है इसमें आ जाओ मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई अब ये ईस्टाम पूरा ईस्टाम ही है, अच्छा उधर पूरा डेड एंड है, उधर से शुरू या पूरा इधर एजेंट तो देखो भाई उन्हें बहरा ना जा रहा, कैमरा सामने रखे नहीं कि मुंह बंद कर ले रहा उन्हें, तो ऐसा इशू है। तो चल अब हो गया घूमना फिरना हो गया, बस थके लेना था थके ले लिए, और अब तो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बेफजूला खर्चा करना नहीं है। देखो भाई आ रहे जीने के लिए तो अपने पैसे बचाने के लिए देखना भाई, जैसा अपने घर कन खर्चा करते थे वो पूरे खर्चे रोक दे के जो है ना अपने घर वाले अपने को जिम्मेदारी पे अपने को क्या भरोसा करके भेज रहे, तो अपन ये क्या है बेकार चीज़ों में घुसना नहीं है। देखो जो भी आके रुकी हुई है ईस्टाम में, अपने को बस का तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, हर जगह देख रहा ना मैं हर 5 मिनट को बस अवेलेबल है अपने, तो उसका तो इश्यू नहीं है, बस क्या है अपने इत्यादि में अपन रहना है। और आगे भी जैसा मेरे को मालूम होते जाएंगे मैं आपको अपडेट देते जाऊँगा, गलत इन्फॉर्मेशन दे के भी कुछ फ़ायदा नहीं रहता, इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, जैसा मालूम होते रहता मैं आप लोगों को अपडेट करते रहता हूँ इंशाल्लाह। फोटो लेना था भाई को, भाई BMW लेते बोल रहे हो इंशाल्लाह, 2-3 दिन कब 2-3 महीने में लेते भाई। ऐसा है कि देखो भाई वीडियो के बीच में कभी कभी तेलुगु भी आ जाता, तो भाई थोड़ी देर सबर कर लो, ऐसा है कि भाई अपने दोस्त को हिंदी नहीं आती है तो तेलुगु में भी उनको क्या है, अपने तेलुगु वाले भी बहुत रहते हैं अपने, ये वाला तो अपार्टमेंट है बहुत कॉस्टली है, ऐसे आप अपार्टमेंट हाँ बहुत महंगे रहते क्या? अच्छा अच्छा तो हमारे कार्तिक भाई लेते हो रहे ऐसा अपार्टमेंट, कार्तिक ब्रो इलांट अपना अपार्टमेंट తీసుకుంటావు ब्रो ఏ కార్ తీసుకుంటావు ఏది దాంట్లో BMW కంపెనీ పేరు అది కార్ పేరు కాదు కార్ పేరులో ఏ మోడల్ సిరీస్ ఏంది చెప్పు भाई देखो BMW बोल रहे इन्हों क्या BMW को क्या समझ रहे हैं भाई, अंदर से अंदर आ गए भाई रोड पे से, अंदर का माहौल ऐसा है देखो ऐसा साइलेंट माहौल है बहुत, और आगे ब्रिज है वो ब्रिज चढ़ के वहाँ से भी नज़ारा बताता हूँ, अभी बस 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट भी नहीं सामने छे देखो ब्रिज वो चढ़ के अभी बता रहा हूँ।
समझे, वैसा नज़ारा तो खास नहीं है, लेकिन बस ब्रिज है देखो भाई, इसके नीचे से लेना जो भी है ईस्ट हार्म को कनेक्टिविटी ये है जैसा लग रहा मेरे को। तो ये देखो ये ब्रिज है ऐसी, इसके नीचे पटरियाँ हैं जैसा मैं अभी वीडियो में बताया। तो भाई रातों के टाइम ऐसी जगहों से देख के जाना, ऐसी जगहों को बहुत अवॉइड करना रातों के टाइम, दिन के टाइम चल जाता, लेकिन रात के टाइम जो है ना ऐसे अवॉइड ऐसी जगहों में नहीं जाना। तो चलो घर के करीब में हूँ, घरकन पहुँच के मेरे घरकन का भी नज़ारा बता देता हूँ। मेरा घर नहीं है, मैं किराए पर रहता हूँ, बस वहाँ पहुँच के वहाँ का नज़ारा बता के जो मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से बस शेयर कर देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस और क्या क्या क्वेश्चनरीज हुए मेरे साथ वो सब बताऊँगा इंशाल्लाह। भाई अभी पहुँच गया घर के पास, बोले तो ये टेम्पररी है, ये इतना कम्फर्टेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है टेम्पररी, जितने दिन हो सका उतने दिन चला लेना, उसके बाद आएगा देखेंगे। क्या हो गया, पागल हो गया क्या भाई तू? अरे पागल हो गया रोहिणी, अरे तो ठीक है भाई, और आगे का भी जो भी है अपडेट देते रहूँगा इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।